जेलेसी अगर आपके अंदर है तो आप सक्सेसफुल कैसे होगे? फॉर एग्जांपल आप फैशन डिजाइनिंग कर रहे हो, कोई और है आपके साथ में वो फैशन डिजाइनिंग कर रहे हैं, आप दोनों ने साथ साथ में काम करना शुरू किया, 2 साल बाद वो पता नहीं कहाँ का कहाँ पहुँच गया या पहुँच गई, आप वहीं के वहीं हो, आप उसमें फेल हो गए, वो सक्सेसफुल हो गया, हम क्या करेंगे? हम उसको देख करके बोलेंगे कि उसके पास में तो ना ये था, उसके पास में तो वो था, वो इस वजह से कर गया, और हम अपने फेलियर को जस्टिफाई करेंगे। जबकि करना क्या है, इसका उल्टा करना है कि वो सक्सेसफुल हुआ है या हुई है तो ज़रूर उसको कुछ ऐसा पता है, ज़रूर वो कुछ ऐसा जानता है जो मैं नहीं जानती, ज़रूर उसने कुछ ना कुछ ऐसा किया है जो मैंने नहीं किया है। वो कैसे पता चलेगा कि उसने क्या किया? बड़े आराम से पता लगे। मैं एमटेक कर रही हूँ, मेरी ड्रीम कंपनी थी जिसमें मेरे को जॉब करनी थी, 4 राउंड उसके क्लियर कर दिए, लास्ट राउंड में मैं रह गई और मेरी फ्रेंड का हो गया। और ऐसे में पता है सबसे ज्यादा मजा कब आता है? दो लोग जाते हैं जॉब इंटरव्यू के लिए, एक साथ में मजे मजे के लिए जाते, वो कहता है यार मैं अकेला क्या जाऊंगा, जैसे होता है ना लड़कों के साथ में अकेला टॉयलेट कहाँ जाऊंगा, चल तू भी साथ में चल ले, साथ में कोई खड़ा हुआ अच्छा लगता है। ऐसे ही हम ले जाते हैं अपने दोस्त को, उसका हो जाता है और हम रह जाते हैं, होता है ऐसी ऐसी चीजें। हाँ, तो अब ऐसे में क्या करें, अपने आप को कैसे समझाएं? इसका एक अलग एंगल भी है ना देखने का, कि हमको ये समझना है कि उसने ऐसा क्या किया जो मैंने नहीं किया। हो सकता है कि उसको उस जॉब की इतनी ज़रूरत नहीं थी, या उसके ऊपर, ये भी कहना गलत होगा, ज़रूरत नहीं थी, हो सकता है उसके ऊपर इंटरव्यू का इतना ज़्यादा लोड नहीं था, वो मज़े मज़े में गए और मज़े मज़े में बाहर आ गए, लेकिन आप बहुत ज़्यादा सोच करके जा रहे थे, बहुत ज़्यादा प्रिपेयर होकर के जा रहे थे कि मुझे तो इस इंटरव्यू को क्रैक करना है। समझ गए ना? इट इज़ जस्ट लाइक डांसिंग, लाइफ इज जस्ट लाइक डांसिंग। जैसे बहुत ज़्यादा आप सोच सोच करके डांस करोगे तो कैसा होगा वो डांस? बट इफ यू आर डांसिंग लाइक एनीथिंग, हाँ उसके लिए आपको डांस आना चाहिए, वहाँ पे सीखना भी ज़रूरी है, नहीं तो गणपति डांस हो जाएगा, इधर उधर हाथ पैर मार रहे होगे। आप समझ गए ना? एजुकेशन की अपनी एक लिमिट है, क्वालिफिकेशन की अपनी एक लिमिट है, डिग्री तो दोनों के हाथ में आ गई, लेकिन अगर उस डिग्री के बाद में आप बहुत सोच सोच करके इंटरव्यू दोगे तो आपके फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि अंदर से नॉलेज तो आप दोनों की सेम है, अब सिर्फ फर्क ये है कि कौन ज्यादा कंफर्टेबल है, कौन वहां पर ज्यादा कॉन्फिडेंट है। I understand your feelings. हम किस्मत से जोड़ देते हैं, वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। हम क्या करते हैं, हम बार बार अपने फेलियर के एक्सक्यूजेस देते हैं कि मेरा ना इंटरव्यू में इसलिए क्लियर नहीं हुआ क्योंकि ना वॉट एवर देयर कुड बी मिलियंस ऑफ रीजंस। लेकिन जब भी आप ऐसा कुछ कर रहे हो, इस बात को समझ लेना, आप अपने आप को नीचे गिरा रहे हो, ऊपर नहीं उठ रहे हो। इमीजिएटली एक्सेप्ट करो कि मैं फेल हो रही हूँ, इस वजह से हो रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने फोटोग्राफी शुरू करी तो लोग आकर के मेरा मजाक उड़ाते थे कि कौन है बेवकूफ़ सा फोटोग्राफर, और मेरे शूट को उठा करके लोग ऐसे फेंक देते थे जब एजेंसीज में लेकर के जाते थे ना, ऐसे किस बेवकूफ़ फोटोग्राफर से घर आके लाए हो। और फिर वो बंदे मेरे पास आते थे जो मॉडल्स थे, वो बोलते थे कि ये क्या किया है आपने, ये क्यों मजाक किया आपने हमारे साथ में, समझ रहे हो? तो मेरे पास में 2 ऑप्शंस थे, एक तो ये कि मैं वहाँ पर बैठ करके अपने आप को जस्टिफाई करूँ कि नहीं 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 वो जिन्होंने फेंका है ना उनको पता नहीं है, वो बेवकूफ़ है। ऐसे ही हम करते हैं कि वो बंदे इंडस्ट्री में 20 साल से बैठे हैं, मैं 2 साल से हूँ, लेकिन वो बेवकूफ़ है, मैं समझदार हूँ, उसको कुछ नहीं पता, मुझे सब कुछ पता है, एक ये तरीका था। लेकिन मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया, मैंने बैठ करके उनसे समझा, मैंने कहा ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्या बोला, और भी उन्होंने कुछ बताया होगा। तो फिर वो बताते थे कि ये ना लाइटिंग सही नहीं है, ये ना कपड़े ठीक नहीं है, स्टाइलिंग ठीक नहीं है, और आज जेन्युइनली मैं देखता हूँ तो मुझे हंसी आती है अपनी फोटोग्राफी में, इतनी घटिया थी, इतनी बेकार थी। लेकिन हुआ क्या, क्योंकि मेरा लर्निंग एटीट्यूड था तो मैं सीख करके उसको बेटर करता चला गया। तो कुछ महीनों के अंदर अंदर मैं उस लेवल पे पहुंच गया जहां पर लोगों को पहुंचने में 20 साल लगते हैं। तो अब ध्यान से समझो क्या होता है कि जैसे ही आप किसी की भी बुराई कर रहे हो या किसी से जेलसी कर रहे हो या किसी को नीचे गिरा रहे हो अपने आप को बेटर फील करने के लिए, तो आप और नीचे गिर रहे हो। जैसे ही आप किसी और की तारीफ कर रहे हो, तारीफ मतलब क्या, अच्छी क्वालिटीज की ही करोगे ना, बुराई आप खराब क्वालिटीज की करोगे। जैसे ही आप किसी की तारीफ कर रहे हो दिल से, सिर्फ बार बार से दिखाने के लिए नहीं, हम तारीफ भी करते तो हमारा कोई ना कोई मतलब होता है, इस बंदे से मुझे कुछ चाहिए, इसकी तारीफ करो मुंह पर बैठ करके, समझ गए? वो वाली तारीफ नहीं, उसको बोलने के लिए भी नहीं, उसके मुंह पर भी नहीं, अपने मन में बैठ करके कि यार ये जो बंदा है ना, ये लाइफ में इतना आगे इसलिए जा रहा है क्योंकि उसके अंदर ये 4 क्वालिटीज है। तो अब क्या हो रहा है, आपकी जो नज़र है वो कहाँ चली गई, पॉजिटिव क्वालिटीज में। जहां आपकी थिंकिंग जाती है, जहां पर आपकी नजर जाती है, वैसे ही आप बनने लग जाते हो।
समझ लो। जैसे लोगों के साथ आप रहते हो वैसे ही आप बनने लग जाते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ऐसे ही उसको अभी छोड़ देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ सर, जैसे आपके थिंकिंग होती है सर, आप वैसे ही बनते हैं। जैसे आपके सपने होते हैं, आप जिस तरह से सोचोगे आपके लाइफ में फिर सक्सेस भी वैसे ही आती है। अगर आप नेगेटिव सोचोगे, देखो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसको ध्यान से समझो अभी मैं क्या बोलने वाला हूँ। जब भी मैं कुछ बोलता हूँ या जब भी आप कुछ सुनते हो, आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, आप कुछ ना कुछ उसमें बीच में घुसाने की कोशिश कर रहे होते हो। जो मैं कह रहा हूँ उसको नहीं देख रहे, कहीं और ही पहुंच गए। मैं क्या कर रहा हूँ इस वक्त, एक सिचुएशन है उसको मैं एज इट इज देख रहा हूँ। ये सिचुएशन है, मैं इसको देख रहा हूँ, इसमें बीच में हमको कुछ और लाने की क्या जरूरत है कि ये मैं जिसकी बात कर रहा हूँ इसको मैं कह रहा हूँ रिमोट। तो अब आप क्या कह रहे हो, ये जो रिमोट वर्ड यूज़ किया है ना, यही रिमोट वर्ड एक उस बुक में भी लिखा हुआ था। तो संदीप महेश्वरी वही बात कर रहा है जो उस बुक में लिखा हुआ है। आप समझ गए, आप वहाँ चले गए। जबकि मैं इसको रिमोट बोलूँ, पिमोट बोलूँ, टिमोट बोलूँ, कुछ भी बोलूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी वर्ड इसके लिए यूज़ करूँ फर्क नहीं पड़ता। फर्क क्या पड़ता है, मैं बोल क्या रहा हूँ वो तो समझो, उस पर ध्यान रखो। डोंट गेट लॉस्ट इन टू वर्ड्स, वो एक बहुत बड़ा ट्रैप है। आप वर्ड्स में खो जाओगे, आपको लगने लग जाएगा मेरे को कुछ समझ आ गया है, और एक्चुअल में कुछ भी समझ नहीं आएगा। अगर आप मेरे सेशंस देख रहे हो और आपकी लाइफ में चेंज नहीं आ रहा, तो यही प्रॉब्लम है आपकी जो मैं बता रहा हूँ। अगर आ रहा है तो इसका मतलब ये प्रॉब्लम नहीं है कि आप मेरे वर्ड्स को तो पकड़ रहे हो, जो वर्ड जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो नहीं देख रहे हो। मैं बात कर रहा हूँ चांद की, कि वो देखो चांद है वहाँ पर, वो देखो चांद है, वो देखो चांद है। आप मेरी उंगली को पकड़ के बैठे हो, आप वर्ड को पकड़ के बैठे हो कि संदीप महेश्वरी जिस तरीके से उंगली कर रहा है ना, उसमें एक अलग ही स्टाइल है। जो बंदा उंगली करता है कहता है चांद है भाई, क्या स्टाइल है। मतलब आपका ध्यान मेरी उंगली की तरफ है, आप समझ गए, चांद की तरफ नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, चांद को देखो, जिस चांद को देख करके मैं आपसे बात कर रहा हूँ। दूसरे लोग कहाँ उलझे हुए हैं, ये जो चांद वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ये वर्ड ना उस बुक में भी यूज़ किया गया था, तो लगता है ये वही बात कर रहे हैं जो उस बुक में लिखी हुई है। उस बुक को उठा करके कचरे के डब्बे में डालो ना। व्हाई डू यू नीड दैट बुक टू अंडरस्टैंड जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर उस चांद को आपने देख लिया जिस चांद की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप भी वैसे ही फील करोगे जैसा मैं फील कर रहा हूँ। लेकिन ये परमानेंट नहीं रहता ना, मतलब आज रहा कल रहा। हाँ, ये एक आदत है। अगर ये आदत बन गई तो ये हमेशा के लिए रहेगा। मतलब होता क्या है कि हमारी जो आदत है वो है वर्ड्स में उलझे रहने की। ध्यान से अपने माइंड को समझना। अगर मैं अभी कुछ देर के लिए यहाँ पे साइलेंस मेंटेन करूँगा तो आपको पता लगेगा माइंड में आप कुछ ना कुछ बोलते रहते हो। वो सब क्या है, वर्ड्स ही तो है ना। वर्ड्स का रियलिटी से क्या कनेक्शन है? वर्ड्स को सिर्फ हमको यूज़ करना है रियलिटी में कुछ करने के लिए। कि अगर मुझे पानी पीना है तो बोलने से कुछ नहीं होगा कि पानी पीना है, पानी पीना है, पानी पीना है। पानी पीना पड़ेगा बॉटल खोल करके। सिर्फ ये समझो कि मैं बोल क्या रहा हूँ, मैं इशारा किस तरफ कर रहा हूँ। कि जब भी आप किसी और की बुराई देखते हो तो आप खुद बुरे बन रहे हो। हम वही देखते हैं जो हम हैं। ये बात पकड़ में आ रही है? अंदर से किसी के अंदर बहुत सारी कमियां होंगी तो उसको दूसरे के अंदर सिर्फ कमियां ही नजर आएगी। अंदर से कोई बहुत खुश होगा तो उसको दूसरों के अंदर की खुशी नजर आएगी। हर इंसान में अच्छाई भी है और बुराई भी है। हर सिचुएशन में कुछ अच्छा भी है, कुछ बुरा भी है। चॉइस हमारे हाथ में है कि हम क्या देखते हैं।